हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंधीज रेसिपीज़। आज हम बनाएंगे स्ट्रीट स्टाइल पाव भाजी। सबसे पहले मैंने एक कुकर लिया है, हम उसमें आलू, गोभी और मटर को बॉईल करेंगे। मैंने 5 छोटे आलू लिए हैं और एक छोटा सा गोभी का फूल लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1/2 कप से भी कम ये मटर। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पानी। कुकर में हम 5 से 6 सीटी लगाएंगे। A few moments later. कुकर में सबसे पहले मैंने लिया है 3 क्यूब्स बटर। हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून तेल ताकि हमारा बटर जले नहीं। बटर को मेल्ट होने देंगे। मैंने लिया है 3 लहसुन की कली। अब हम लेंगे 1 प्याज, मैंने इसको थोड़ा सा पीस लिया है। प्याज को हम 3 से 4 मिनट भूनेंगे। फ्लेम को मैंने लो ही रखा है। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, प्याज हमारा अच्छी तरह से भून गया है। हल्का सा गोल्डन करना है हमें, ज़्यादा नहीं भूनना। अब हम ऐड करेंगे ये 3 टमाटर, 1 हरी मिर्च, 1 छोटा अदरक का टुकड़ा लिया है मैंने, इसका पेस्ट कर लिया है। मिक्स करेंगे। मैंने लिया है 1 टीस्पून जितना लाल मिर्च पाउडर। मिक्स करेंगे अच्छे से। अब हमें हमारी टमाटर की ग्रेवी को कुक करना है। हम इसे 7 से 8 मिनट ढक कर रखेंगे, हमारी ग्रेवी को अच्छे से कुक होने देंगे। आप अगर चाहे तो प्याज और गार्लिक को स्किप कर सकते हैं। अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते तो आप ऑयल के बाद डायरेक्टली टोमेटो पेस्ट ऐड कीजिए। बीच बीच में हम ग्रेवी को चलाते रहेंगे। हमें टमाटर को बिल्कुल अच्छी तरह से कुक करना है जब तक इस ग्रेवी में से तेल ना छूटे। 10 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं हमारी टमाटर की ग्रेवी अच्छे से कुक हो गई है। अब इस स्टेज पर मैंने लिया है 3 टीस्पून जितना पाव भाजी मसाला, ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स होने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे ये बॉइल्ड आलू, गोभी और मटर जो हमने पहले बॉईल किया था। मैशर की मदद से हम इसे हल्का हल्का मैश करेंगे इस तरीके से। सभी चीज़ों को अच्छे से मैश करेंगे। मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। इसे मिक्स करेंगे, फिर से मैश करेंगे। अच्छे से मैश करने के बाद मैंने लिया है 1 शिमला मिर्च जो मैंने बारीक कट किया है, उसको ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने लिया है 1 ग्लास जितना पानी, वो ऐड करेंगे क्योंकि हमारी पाव भाजी थोड़ी गाढ़ी है। हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच नमक या स्वाद अनुसार। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं हमारी पाव भाजी अभी भी थोड़ी गाढ़ी है। हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम क्या करेंगे, 4 से 5 मिनट पाव भाजी को ढक कर रखेंगे ताकि सभी सब्जियां अच्छे से मिक्स हो जाए। इस तरीके से ढक्कन लगा के 4 से 5 मिनट हम इसे रखेंगे। फ्लेम को मैंने मीडियम ही रखा है। 5 minutes later. हमारी पाव भाजी है वो रेडी हो गई है। ये पाव भाजी है 4 से 5 लोगों के लिए सफिशिएंट। एक पैन ले लेंगे, अब हम हमारे पाव को बटर में सेकेंगे। बटर को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। आप चाहे तो थोड़ा सा पाव भाजी मसाला ऐड कर सकते हैं। अब हम हमारे पाव को सेकेंगे इस तरीके से।
ऊपर से मैं थोड़ा सा बटर लगा रही हूँ, थोड़ा सा मसाला स्प्रिंकल करेंगे। आप चाहे तो हरा धनिया भी यूज़ कर सकते हैं। इसे घुमाएंगे। पाव हमारा वो अच्छे से सिक गया है। ये रेडी है हमारी पाव भाजी। आप भी इसे बनाइए और एंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं जल्दी एक नई रेसिपी के साथ।